सबसे पहले हम देखें कि डेटा क्या होता है तो डेटा क्या है डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शंस इन ए फॉर्मलाइज मैनर वो शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि डेटा एक रिप्रेजेंटेशन होता है फैक्ट का कॉन्सेप्ट का इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मलाइज मैनर में जो कि सुटेबल होता है कम्युनिकेट करने के लिए इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसको प्रोसेस करने के लिए चाहे वो ह्यूमन करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन करे तो किसी भी फैक्ट या कॉन्प्ट या इंस्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मल मैनर में ही क्या कहलाता है डेटा तो डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए से जेट से डिजिट से भी या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर से भी उसको डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इफॉर्मेशन क्या होता है तो इफॉर्मेशन इज़ ऑर्गनाइज और क्लासिफाइड डेटा विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर यानी कि जब हम डेटा को जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस होता है फॉर्मल मैनर जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो या उसको ऑर्गनाइज करते हैं इस तरीके से हमें उनमें से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट आ जाए कुछ मीनिंगफुल वैल्यू मिले तो वो क्या कहलाता है इंफॉर्मेशन इफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा ऑन विच डिसीजनस एंड एक्शंस आर बेस्ड यानी कि जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम एक्शन या डिसीजनस कोई लेते हैं फॉर द डिसीजीजनस टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस डेटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग करेक्टर्स यानी कि नीचे दिए हुए कैरेक्टर्स को क्वालिफाई करेगा अगर डेटा तभी वो मीनिंगफुल डेटा कहलाएगा एक तो टाइमली डेटा मिलना चाहिए यानी इनफॉर्मेशन शुड भी अवेलेबल है रिक्वायर्ड ऐसा नहीं कि आज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी अब एक दो दिन बाद मिले तो नहीं ये नहीं होना चाहिए टाइमली इफॉर्मेशन मिलना चाहिए एकोरेसी होनी चाहिए, चाहिए। यानी कि वो ए्यूरेट होना चाहिए सही होना चाहिए और थर्ड है कम्प्लीटनेस यानी कि वो डेटा या इफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए आधा अधूरा इफॉर्मेशन होगा तो फिर वो है डिजास्टर भी कर सकता है तो इसलिए टाइमली और कंप्लीट होना चाहिए तभी वो डेटा वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए फायदेमंद होगी अब हम बात कर लें कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि डेटा को क्या करते हैं हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पे वो डेटा प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उसमें से हमें आउटपुट मिलता है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन मिलता है और इस उस इंफॉर्मेशन को उस डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल यही होती है डेटा प्रोसेसिंग इज री स्ट्रक्चर और री ऑर्डरिंग ऑफ डेटा बाई पीपल और मशीन टू इंक्रीज देयर यूजफुलनेस एंड एड वैल्यू फॉर पर्टिकुलर पर्पज डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट दीज थ्री स्टेप्स स्टीट्यूट द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल तो अभी फिगर में देख ही रहे हैं तो यानी कि जब डेटा के ऊपर हम मल्टीपल एक्सेस लेते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम उसको प्रोसेस करते हैं तो उसमें से जो हमें इंफॉमेशन निकलती है जो आउटपुट आता है वही चीज़ हमारी इंफॉमेसन है और वही चीज़ वैल्यूबल होती है तो हम बात कर लेंगे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तो तीन ब्रॉडली तीन टाइप के इन्फॉमेशन सिस्टम होते हैं ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम कि ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो ऑफिस के कार्य जो काम होते हैं जो वर्क होते हैं उनको हेल्पफुल होते हैं उनमें हेल्पफुल होते हैं तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है टी प्रोसेसर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है पी और इंटरप्राइज कोलाबोशन सिस्टम है सी उसी तरह से मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में मैनेजमेंट इफॉर्मेशन सिस्टम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं इसी तरीके से टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी है जो कि ऑफिस ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं तो हम देखें ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम इज जो सिस्टम हुए प्रोसेस बिजनेस ट्रांजेक्शन कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सपोर्ट इंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलाब्रेशन एंड अपडेट कॉर्पोरेट डेटा पेस यानी कि जो डे टू डे ट्रा ऑपरेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है तो जैसे कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ठीक क्या करता है ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है रिकॉर्ड एंड प्रोसेस डेटा फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है उनको प्रोसेस करता है एक्जाम्पल जैसे कि सेल्स प्रोसेसिंग हो गया इवेंट्री सिस्टम्स हो गया अकाउंटिंग सिस्टम हो गई ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम करता है दूसरा तो है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ये क्या करता है मॉनिटर एंड कंट्रोल फिजिकल प्रोसेस जो भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है कस्टमर आ रहा है सर्च करता है प्रोडक्ट को लेता है उसको बिलिंग कराता है फिर चला जाता है बाहर ये पूरा एक प्रोसेस हो गया तो ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम भी मॉनिटर किया जाता है तो एग्जांपल इन्हें पेट्रोलियम रिफाइनरी आप वहाँ पे देखिए तो यूज सेंसर्स टू मॉनिटर केमिकल प्रोसेसेस इसी के इंटरप्राइज कोलाबोरेशन सिस्टम इन्हेंस टीम एंड वर्क कम्युनिकेशन ये क्या करता है कि टीम एंड वर्क ग्रुप कम्युनिकेशन को इन्हेंस करता है जैसे कि ई के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम तो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉमेशन एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई मैनेजमेंट यानी कि ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो फोकस करता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसको इन्फॉर्मेशन दिया जा सके ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें तो जैसे कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है तो जहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि क्या करता है कि रिपोर्ट्स एंड डिस्प्लेस जो है वो मैनेजर को प्रोवाइड करता है ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें जैसे डेली सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट होता है तो जिसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है देन है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड इंटरेक्टिव एंड एडहॉक सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है कि ये डिफरेंट डेटा बेस से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देता है जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज करें कि ए वॉट इफ एनालिस टू डिड वेयर टू स्पेंड एडवर्टाइजिंग डॉलर यानी कि कौन से सेक्टर में एडवर्टाइजिंग डॉलर्स को स्पेंड करना चाहिए इसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है डी एस एस इस तरीके से प्रोडक्ट प्राइसिंग करनी है और प्रॉफिटबिलिटी फॉरकास्टिंग करनी है या रिस्क एनालिसिस करना है तो उसमें आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है इसी से एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम आई एस टी एस एस एंड अदर सोर्सेस फॉर एक्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स यानी कि एग्जीक्यूटिव इनफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है कि वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से और जो बाकी सोर्सेज है वहाँ से एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाल के देता है जैसे कि इजी एक्सेस टू एक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या कर रहा है उसमें आसानी से एक्शन लिया जा सके आप सभी ने चैटबोर्ड का तो यूज़ ज़रूर किया होगा जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पर एक पॉपअप आता है जहाँ पर आपसे पूछता है कि हाउ मे आई हेल्प यू जब आप उस पर टाइप करेंगे अपना क्वेश्चन कोई भी जो भी डाउट होता है आप उस पर जब टाइप करते हैं तो वहाँ पर सामने से रिप्लाई आता है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर सजेशन आ जाता है तो एक्चुअली जो रिप्लाई आता है ना वो कोई ह्यूमन बींग नहीं होता है अपोजिट साइड में बैठा होता है वो क्या होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम जो कि नॉलेज के बेसिस पे आपके आंसर आपके प्रॉब्लम को आपके क्वेश्चन का आंसर जो है आपको प्रोवाइड करता है इसी तरीके से वॉइस रिकोगनीशन तो जब भी आप कुछ बोलते हैं ना तो वहाँ पर टाइप होने लगता है वो जो आप बोलते हैं वो सर्च कर देता है तो वो क्या है एक्सपर्ट सिस्टम है यानी कि वो क्या कर रहा है एज अ ह्यूमन बींग काम कर रहा है आप अगर किसी से बोलें कि फ्रेंड uh, है आपका तो आपने बोला कि मिस्टर आप जो है ये चाय का कप या फिर पानी का बोतल दीजिए तो सामने वाला जो आपका फ्रेंड होता है वो क्या करेगा बोतल ला के देता है तो एक्सपर्ट सिस्टम भी वही है, जो आप कह रहे हो, वो कर रहा है। आपके सामने प्रॉब्लम है वो आपका सोल्यूशन आ गया आपने, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है तो फ्रेंड ने बता दिया कि इस वक्त छह बज रहे हैं तो सेम एक्सपर्ट सिस्टम भी करता है आपने पूछा हेलो गूगल वॉट इज द टाइम नाउ तो गूगल आपको बताता है कि इट सिक्स ओ क्लॉक तो यही चीज क्या है एक्सपर्ट सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम क्या हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्न

कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है क्लियर तो ये क्या करता है एक्सपर्ट की नॉलेज को कैप्चर करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ठीक ड्रॉज एक्सपर्ट नॉलेज स्टोर इन नॉलेज बेस तो यहां पे क्या होता expert system है एक्सपर्ट सिस्टम में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या करता है कि एक्सपर्ट की नॉलेज को ड्रॉ करता है यानी कि नॉलेज को कैप्चर करता है और उसको जो है अपने नॉलेज बेस में इकट्ठा करता है और उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई यूजर जो है यूजर इंटरफेस का जरिए कोई प्रॉब्लम को कोई प्रॉब्लम पहुंचता है तो उसका आंसर जो है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है ठीक है इस तरीके से आपने देखा होगा डेंड्रल डेंड्रल एक जो है सॉफ्टवेयर है यह एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि क्या करता है केमिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है तो प्रिडिक्ट मॉलिकल

उसमें जो है इन्फ्रेंस इंजन एक्सप्लेनेशन सिस्टम और नॉलेज बेस एचर इनका जो है ये एक तरीके से रूल होते हैं जो कि इसका यूज करके जो है यूजर इंटरफेस को आंसर प्रोवाइड किया जाता है एक्सप्लेनेशन सिस्टम यानी हाउ व्हाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आता है इन्फ्रेंस इंजन जो कि लॉजिकल आंसर्स जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करता है इन्फ्रेंस इंजन क्या है दैट इंटरप्रेट एंड इवाल्युएट द फैक्ट्स इन द नॉलेज बेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आंसर एक तरीके से ये ब्रेन है ये क्या करता है कि जब भी कोई यूजर की साइड से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नॉलेज बेस में जाता

असिस्ट करता है और इंस्ट्रक्ट भी करता है डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज़ को डिराइविंग या सोल्यूशन सोल्यूशन निकालता है किसी प्रॉब्लम का डायग्नोस करता है एक्सप्लेन करता है किसी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करता है इनपुट को और रिजल्ट को प्रिडिक्ट भी करता है कि क्या रिजल्ट हो सकता है और जो भी कंक्लूजन आया उसको जस्टिफाई भी करता है तो एक्सपर्ट किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट जो होता है वो सब उसके पास नॉलेज होती है उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा हर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट इजली कर सकता है एक्सप्लेन कर सकता है और जो घटना घट गट रही है उसके बेसिस पे वो जस्टिफाई भी कर सकता है और रिजल्ट को प्रिडिक्ट भी कर सकता है

करता है यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करता है तो दैट इज नॉलेज बेस्ड सिस्टम क्लियर जैसे होता नहीं कि आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो आप क्या कहते हो कि जीके के जनरल अवेयरनेस है तो वो आपने क्या किया एक बुक में लिख लिया उस बुक का जो है आपने किसी को दे दिया वो जो है उसको यूज कर रहा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो दैट इज नॉलेज बेस्ड सिस्टम यहां पर आपसे ना पूछ के आपकी नॉलेज कहीं पर स्टोर है तो उसका यूज कर रहा है तो ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रीजन एंड यूजेज अ नॉलेज बेस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज बेस का यूज किया जा रहा है मेरे, अंदर जितनी भी जानकारी है, मेरे पास जितनी भी जानकारी लिख दूंगा उस बुक को किसी को दे दूंगा तो वो क्या करेगा उस बुक का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा तो दैट इज नॉलेज बेस वो बुक क्या हो गया नॉलेज बेस हो गया ठीक तो ए नॉलेज बेस सिस्टम है क्या है तीन कंपोनेंट होते हैं क्लियर कौन कौन सा ए नॉलेज बेस होता है पहली बात तो नॉलेज बेस क्या हो गया कि जहां पे नॉलेज इकट्ठा जहां पे डेटा इकट्ठा होता है दूसरा एन इन्फ्लूस इंजन जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है ये नॉलेज बेस में जाता है और जो है इवालुएट करता है फैक्ट्स को इंटरप्रेट करता है और जो है आंसर प्रोवाइड करता है कि किसको यूजर को और यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है नॉलेज बेस सिस्टम से यूजर इंटरफेस से यूजर इंटरफेस क्या हो इनेबल्स द यूजर टू कम्युनिकेट विद द नॉलेज बेस तो नॉलेज बेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरफेस होता है उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं और यूजर जो है उसका यूज करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उाइल फाइंड आउट करता है तो यहां पर क्या हो गया कि नॉलेज बेस होता है यानी कि डेटा होता है उस डेटा से जो है इन्फ्रेंस इंजन का यूज करके प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है और यूजर इंटरफेस के जरिए यूजर को पता चलता पता चल जाता है उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है या फिर उसका आंसर क्या है क्लियर आर्किटेक्चर की बात करें यहां पे तो यहां पे भी सबसे पहले क्या होगा कि नॉलेज एक्वायर किया जाएगा भाई नॉलेज बेस तैयार करना है तो पहले आप नॉलेज एक्वायर करोगे यानी कि अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो पहले आपने पढ़ा होगा ना पढ़ा होगा चीजें इकट्ठा की होंगी रिसर्च किया होगा उसके बाद फिर आप फाइनल

सिस्टम लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है वहां पे ह्यूमन बींग के बिहेवियर को ह्यूमन बींग के नॉलेज को सेमुलेट करने की बात कही गई थी यहाँ पे क्या है यहां पे नॉलेज बेस का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कही गई है क्लियर होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे यू ऑल द कीप की